नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दरभंगा की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सोनम राज। इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकर आए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा महिला एमएलसी से दुर्व्यवहार के मामले में भाजपा ने विधायक लाल बाबू को पार्टी से किया निलंबित। लोकतंत्र के मंदिर में महिला से छेड़खानी कर भाजपा के एमएलसी ने सदन का गिराया है मान, कहा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि निजी क्षेत्रों में हिंदी भाषा के व्यापक प्रयोग किए जाने की है जरूरत। आंगनवाड़ी सेविका और होमगार्ड नियोजित शिक्षकों को वेतन देने की मांग को लेकर भाजपा के सदस्यों ने सदन में जमकर किया हंगामा। और आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि किसी भी पंथ या जाति के लोग राष्ट्रपति पद के हो सकते हैं उम्मीदवार। और अब नजर डालेंगे खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में अब बस से एक ही दिन की कार्यवाही शेष है, लेकिन माननीयों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और शायद इसलिए गुरुवार को भी विधानमंडल का नजारा ठीक वैसा ही रहा जैसा सत्र की शुरुआत से रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया। आंगनवाड़ी सेविका होमगार्ड नियोजित शिक्षकों को वेतन देने की मांग को लेकर बीजेपी के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। उधर हीरा कारोबारी को मिली धमकी के मामले पर बिहार की सियासत तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने जांच में दोषी पाए जाने पर मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने भी मंत्री के इस रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। प्रबंधक ने ये कहा है कि लगातार हमसे पैसे की मांग की जा रही थी और ऐसी स्थिति में फैक्ट्री चलाना संभव नहीं है। तो देखिए, उस कंपनी की पूरे हिंदुस्तान में 4 फैक्ट्रियाँ थी और जिसमें से पटना के अंदर जो फैक्ट्री खुली 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट था, और एक मंत्री किसी फैक्ट्री का निरीक्षण करने जाए, उसने स्वीकार किया हम निरीक्षण करने गए थे, उसमें पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए और ऐसे मंत्री को अविलंब बर्खास्त करने की मांग करते हैं। बिहार विधानसभा में गुरुवार को अमीन की बहाली का मामला उठा। बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव ने अमीन की नियुक्ति में देरी का मामला उठाया है, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में खुद इसकी जानकारी दी। सीएम नीतीश कुमार ने माना कि बिहार में अमीन की संख्या काफी कम है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति कराई जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि सूबे में अमीन की ट्रेनिंग वाले अभ्यर्थियों की कमी है। राजधानी पटना में महिला एमएलसी से दुर्व्यवहार के मामले में बीजेपी विधायक लाल बाबू की तीखी निंदा चारों ओर की जा रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने भी घटना की निंदा करते हुए कहा है कि एक महिला माननीय के साथ लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी विधायक ने बेशर्म हरकत की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक पर कार्रवाई और FIR दर्ज की जानी चाहिए। वही महिला एमएलसी पर छेड़खानी के मामले पर सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष से लेकर सभापति से कार्रवाई की मांग कर रहा है। जेडीयू नेता श्याम रजक ने इसे राजनीति का ब्लैक डे करार दिया है। वहीं सभापति ने कहा कि वो इस मामले पर न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। के साथ अभद्र व्यवहार, ये गैर संवैधानिक है, गैर नैतिक है, और हम समाज के जो लोग है, मानव समाज है, उसके लिए एक काला धब्बा है। तो शिकायतकर्ता गए थे आपके पास? गए थे तो बात हुई, तो हम तो हाउस में जा रहे थे, इसलिए उसमें कुछ बात नहीं पाई। तो आज क्या उस मामले पर कोई आप सुनवाई करेंगे? कुछ कुछ उठेगा, कुछ आएगा तब ना सुनवाई करेगा। ऐसे ही हम अपने से जाकर नहीं, परिषद अपने से संज्ञान नहीं लेना चाहिए। हाउस के कोई माननीय सदस्य या कोई शिकायतकर्ता कोई आएंगे तब इस पर विचार। लेकिन शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने हिंदी की अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने की जरूरत बताई है। राजधानी पटना में गुरुवार को हिंदी से भी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों में भी हिंदी की व्यापक प्रयोग किए जाने की जरूरत है। कार्यक्रम में उन्होंने हिंदी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई साहित्यकारों को भी सम्मानित किया। तो अब तो हमने कहा कि क्या ये संभव है कि निजी क्षेत्र में जो हिंदी का प्रयोग करेंगे उनको हम लोग टैक्स में कुछ रिबेट दे सकें? यू हैव टू कम विद, आपको कहीं ना कहीं इनोवेटिव आइडियाज के साथ, क्रिएटिविटी के साथ आना पड़ेगा, तब जाकर के हिंदी को, और आप 50 करोड़ लोग इस देश में हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन उतना हिंदी साहित्यिक रूप से उतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक शर्म के बाद सब लोग इंग्लिश पर जाते हैं। लेकिन अगर अगर आप चाइना को देखिएगा तो चाइना तो अपनी भाषा को सब चीज़ उसकी मैथ्स, अंग्रेजी, हिंदी, साइंस, सब चीज़ चाइनीज भाषा में ही है, लेकिन हम उसको नहीं कर पाते हैं हिंदी को। अगर हमको हायर एजुकेशन के लैंग्वेज में जाना पड़ता है तो एवरीबॉडी गेट ट्रांसफर्ड इनटू इंग्लिश। तो कहीं ना कहीं इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा अगर हिंदी साहित्य को हम प्रमोट करना चाहते हैं।
गुरुवार को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में गांधी मैदान के कारगिल चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुपति सिंह ने बताया कि जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को राज्य सरकार कैद से मुक्त नहीं करती, तब तक पार्टी के कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ यूं ही प्रदर्शन जारी रखेगी। विधानसभा घेरने का कार्यक्रम था हमारा, लेकिन हमको बीच में ही सब साथियों को मारा पीटा और लगभग 100 साथी आज जीवन मौत से मर रहे हैं और जहां कहीं अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे नेता पप्पू यादव को जबरदस्ती जेल में बंद किया गया। झूठे और गलत मुकदमे, जो मुकदमे वापस ले लिए गए थे, उन मुकदमों में झूठा आरोप लगाकर वारंट तत्काल जारी कराया गया। 3 घंटे अवैध ढंग से डिटेंशन किया गया। वहीं राजधानी पटना के गर्दनी बाग में पिछले 4 दिनों से धरना दे रही आंगनवाड़ी सेविकाओं ने गुरुवार को विधानसभा के गेट नंबर 6 के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उग्र प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों में झड़प हो गई, जिसमें महिला सेविका बेहोश भी हो गई। मोतिहारी के युगम पांडे महाविद्यालय के प्राचार्य और कर्मियों के बीच ऐसी ठनी है कि गुरुवार के 6ठे दिन बीत जाने के बाद भी कॉलेज के गेट पर ताले लटके हुए हैं और कॉलेज के कर्मी प्राचार्य के विरोध में लगातार नारेबाजी करते हुए दिखे। सभी कर्मी कॉलेज के प्राचार्य के विरोध में नारेबाजी कर उनके ऊपर वेतन बंटवारे को लेकर घपलेबाजी का संगीन आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि वेतन वितरण में कॉलेज कर्मियों के साथ भेदभाव किया गया है और कम वेतन दिया गया है, जिसके खिलाफ ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और 6ठे दिन बाद भी आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। ऐसे भी कर्मी हैं जो हवाई जहाज से आते हैं और पैसे उठा करके चले जाते हैं, वे यहाँ पर कार्य नहीं करते हैं, उनको नाम को धोया जाता है। प्रचार उनको फोन करके बुलाते हैं और भुगतान दे देते हैं। मिली भगत होता है क्या? इससे तो यही प्रतीत होता है कि प्रचार की उसको मिली भगत है, जिसके कारण इस तरह होता है। वहीं आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश के ज्यादातर मुसलमान नहीं चाहते कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बने, क्योंकि अगर वहां जो मस्जिद बनेगा वो नापाक होगा। रोहतास के विक्रमगंज में आरएसएस के हिंदू नववर्ष उत्सव के अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में कुछ कट्टरपंथी और अलगाववादियों ने प्रपंच रचकर जनता को भ्रमित कर रही है। राष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस छुआछूत से मुक्ति का आंदोलन है और समाज का किसी भी पंथ या जाति के लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। उन्होंने अवैध बूचर खाने पर आजम से सवाल किए हैं कि वे बताएं कि उनकी सरकार वैध थी या अवैध। इस समय देश के अंदर लाखों लाख मुसलमान, चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, दरगाहों वाला है, बोरा आदि आदि है, उन सब का ये मानना है कि वहाँ पर जो बाबर ने के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की थी, वो नापाक है। इसलिए कुछ कट्टरपंथियों को, अलगाववादियों को छोड़कर बाकी मुसलमान धीरे धीरे तैयार हो रहा है कि वहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जाए, क्योंकि राम ही खुदा है, खुदा ही राम है, इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों ऊपर वाले हैं, हर जनकन में है। वही शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विक्रम के शहीद चौक पर टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का पुतला दहन किया गया। संघ के पटना जिला महासचिव मनोज कुमार चौरसिया ने कहा कि 27 मार्च को गर्दनीबाग धरना स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर धरना पर बैठे संघ के शिक्षकों पर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें सैकड़ों शिक्षक घायल हुए। मार्च से शुरू हो रहे चैती छठ को लेकर पालीगंज प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बुधवार को पालीगंज उलार सूर्य मंदिर में आयोजन समिति की एक बैठक आयोजित की गई। उलार सूर्य मंदिर में होने वाले चैती छठ में काफी भीड़ होती है, इसलिए बैठक में छठ व्रतियों की सुरक्षा के साथ साथ पर्व की पूरी तैयारी पर विशेष चर्चा की गई। पालीगंज SDO अनिल कुमार राय की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में ASP पालीगंज मिथिलेश कुमार के अलावा उलार सूर्य मंदिर प्रबंधन और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। पालीगंज
एसडीओ ने कहा कि छठ को लेकर क्या कुछ तैयारी हुई है और आगे कितनी तैयारियां बाकी है, इसकी बैठक में समीक्षा की गई। जो आयोजन हो रहा है दिनांक 21/3/2017 से प्रारंभ हो रहा है व्रत, उसके सफल आयोजन के लिए ये आयोजन समिति की एक बैठक थी और ये समीक्षा करने के लिए बुलाई गई थी कि कार्य प्रगति पर है, क्या कार्य हुआ और किसको आगे करने की जरूरत है, कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रशासनिक उदासीनता से नाराज न्यायालय ने सरकारी जमीन को नीलाम करने का आदेश जारी किया है। अपने ही आदेश के आलोक में कोर्ट को एक ही फैसले को तीन तीन बार सुनाना पड़ा। मामला भू अर्जुन के बाद भुगतान लंबित रहने से जुड़ा हुआ है। बघा व्यवहार न्यायालय के सब जज प्रथम राजेश कुमार सिंह के कई बार चेतावनी के बाद भी भुगतान नहीं करने पर बेतिया कलेक्टोरेट की जमीन को कुर्क कर नीलाम करने का फैसला सुनाया गया। इस न्याय के बाद जहां न्यायालय को भी अपने आदेश का अनुपालन सरकार से कराने में कुल 20 वर्ष से अधिक समय लग गए। वहीं बघा में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो पूरे बिहार में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा और 100 रुपए की दहाड़ी पर हम सेविका काम नहीं करेंगे। सेविका सहायिकाओं ने न्यूनतम मजदूरी के लिए यह हड़ताल को अनिश्चितकालीन समय तक ले जाने की भी बात की। वहीं पुनीता कुमारी का कहना है कि सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना ही होगा वरना उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। जिले के छातापुर पीएचसी के समीप संचालित हर्ष हॉस्पिटल में बुधवार की देर रात एक 23 वर्षीय महिला जो घिवा की रहने वाली थी को प्रसव वेदना के दौरान पहले तो सरकारी अस्पताल छातापुर लाया गया जहां समुचित इलाज नहीं करने के कारण बिचौलियों ने उसे एक निजी नर्सिंग होम मंगलवार की रात दाखिल करवाया जहां लगभग 21,000 रुपए खर्च होने के बाद भी मरीज की मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि परिजनों ने ऑपरेशन करने वाले जिस चिकित्सक का नाम लिया वो अनुबंध पर गया जिले में स्थापित है। लोगों ने बताया कि चिकित्सक महोदय माह में 2 दिन गया जिले का फेरा लगा लेते हैं और बाकी समय निजी अस्पताल में ही रहते हैं। पीएचसी से महज 100 गज की दूरी पर संचालित इस निजी अस्पताल को सूत्रों की माने तो पीएचसी प्रभारी का आशीर्वाद ही प्राप्त रहता है जिन्हें कस्बे में संचालित अन्य अवैध निजी अस्पतालों और क्लिनिकों से लाभ प्राप्त होता है। यही कारण है कि निजी क्लिनिक के विरुद्ध कार्रवाई कभी विभागीय स्तर से नहीं होती है। फिलहाल घटना की सूचना पर छातापुर पुलिस नर्सिंग होम पहुंच गई है और जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि अब तक मृतक के पक्ष से थाने में आवेदन तक नहीं किया गया है। वहीं नर्सिंग होम के डॉक्टर समेत सारे कर्मी घटना के बाद से ही फरार हैं। सैकड़ों की संख्या में वृद्ध महिला और पुरुष पिछले कई महीनों से पेंशन को लेकर केवटी प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। यही हाल जिले के सभी प्रखंडों का भी है। इन सभी लोगों की शिकायत है कि पिछले 18 महीने से इन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। गुरुवार को सभी पंचायत में आए हुए सैकड़ों लोगों ने बीडीओ के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर जल्द ही पूरी करने की बात भी की। उधर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पैसा ऊपर से ही नहीं आ रहा है, मैंने इन लोगों की बात ऊपर तक पहुंचा दी है, राशि आते ही इनके खातों में डाल दी जाएगी। अभी जिनकी जिनकी राशि अगर चली गई हुई है उनके खाते में अभी राशि गई नहीं है। इनको बताया गया है कि वो जो खाता डेड है जो अभी यूज में नहीं है इस वजह से भी ये समस्या आ रही है। तो ये बताया गया है कि एक बार जो अपना खाता उसको एक्टिव करा ले कुछ राशि लेकर। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में वासंतिक नवरात्र के अवसर पर मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। गुरुवार को श्रद्धालुगण माता के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना करते हुए भक्तिमय माहौल में लीन रहे। पश्चिमी चंपारण बेतिया समाहरणालय के समक्ष भाकपा माले द्वारा चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष 1917 से 2017 भूमि अधिकार आंदोलन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भाकपा माले मंत्री सुनील राव ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मजदूरों किसानों ने अंग्रेजी राज के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया था जिसका नेतृत्व खुद महात्मा गांधी जी ने किया था। 100 वर्ष बाद भी अभी तक भूमि सुधार नहीं हो पाई है। भूमि सुधार अधिकार आंदोलन के माध्यम से सरकार से मांग किया जाता है कि गरीबों के साथ न्याय किया जाए। मौके पर कई गरीब और माले सदस्य भी उपस्थित रहे। यहाँ जो है अभी हम लोग भूमि अधिकार सत्याग्रह अभियान चल रहा है, सप्ताह चल रहा है। ये गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पर हम लोग चाह रहे हैं कि जितने जमीन है, उदान की जमीन हो, पंचा की जमीन हो, सैली की जमीन हो,
तमाम जमीन पर गरीबों का एक हक मिले, कानूनी हक मिले और इसमें जो भी कानूनी अड़चन है सरकार उसको दूर करे। इस संबंध में तमाम जो गरीब हैं जिनको बसने की जमीन नहीं है, आवास के लिए जमीन नहीं है, उनके आवेदन लिए जा रहे हैं। जो इतने गरीब लोग जिनको सरकार ने पर्चा दिया, हम ही कह रहे हैं कि जितने गरीब लोगों को पर्चा सरकार ने दिया है जिसको काबिया नहीं है। वही बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में 8 साल की अगवा बच्ची को पुलिस ने बरामद करते हुए एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। गांजा पीने और नशा में पैसे की कमी को पूरा करने के लिए दो युवकों ने अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने अपहरण के 12 घंटे के अंदर ही बच्ची को मुक्त कराकर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। घटना बखरी थाना के दुर्गा स्थान चौक की है, जहां बाइक सवार दो अपराधियों ने जीविका के अधिकारी कुंदन शाह की 8 साल की बेटी गरिमा को डांस क्लास से आते समय रास्ते से अगवा कर लिया था। घटना की सूचना पर पुलिस हरकत में आई, लेकिन उसका सुराग नहीं मिल पाया था। वहीं मंझौल के सियूरी गांव में एक घर में ग्रामीणों ने एक बच्ची को रोते देखा तो पुलिस को सूचना दी और पुलिस सूचना पर पहुंची और घर में बंद कर रखे गरिमा को बरामद किया और एक अपहरणकर्ता धर्मेंद्र सहनी को गिरफ्तार भी किया। पूछा था रास्ते में खाने के लिए, नेशनल अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन देश भर में छिपे हुए प्रतिभा को खोजने के लिए दो नए टीवी रियलिटी शो शुरू करने जा रहे हैं। एक प्रेस वार्ता के मौके पर अकेडमी के एमडी डॉक्टर आसिफ साहिल और अनुपमा मिश्रा ने बताया कि अप्रैल महीने में सभी राज्यों में प्राइड ऑफ इंडिया नाच के दिखाओ और सुरों का संगम ऑडिशन के जरिए प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। मैं प्राइड ऑफ इंडिया नाच के दिखा और सुरों का संगम संदेश फैलाने के लिए कि आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप में वो बात है, आप में वो काबिलियत है, आप आगे बढ़ के आइए। आपको और आगे ले जाने का निश्चय हम करते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको भारत के सामने प्रस्तुत करेंगे और आपकी पहचान हम दिलाएंगे। बस यही है प्राइड ऑफ इंडिया। और बेसिकली हम लोग बिहार पर ज़्यादा फोकस करेंगे और टैलेंट्स को बिहार आना होगा। ऑडिशंस के बाद मेगा ऑडिशंस क्वार्टर फिनाले फिनाले के। मैं शालिनी सिंह, एनएफ ऑपरेशन मैनेजर। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।